अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स व्यूअर्स आज हम एमएस वर्ड में रिव्यू टेप सीखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने मेलिंग टेप सीखा था, इस वीडियो में हम रिव्यू टेप सीखेंगे। रिव्यू टेप में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी स्पेलिंग्स होते हैं उनका ग्रामर होता है वो सब चेक करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड मैंने चेंज कर दिया, इसमें देखे कोऑर्डिनेट लिखा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ ई को, तो अभी देखे इसके नीचे एक रेड लाइन आ गया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखे इसके नीचे रेड लाइन आ गया है, वो इसलिए क्योंकि स्पेलिंग एंड ग्रामर जो इसकी अपनी डिक्शनरी है, रिव्यू में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो ये इसके डिक्शनरी में ये नहीं है, एमएस वर्ड की डिक्शनरी में। तो मैं जाता हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर में, तो ये देखे कोऑर्डिनेट मतलब कि ये जितना भी डॉक्यूमेंट है ये बाकी बिल्कुल सही है, सिर्फ ये एक ही वर्ड इसमें चेंज है। तो इसमें मैं जैसे ई डालता हूँ और इसको चेंज करता हूँ तो ओके, तो ये देखिए कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही हो गया है। स्पेलिंग एंड ग्रामर इसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा अगर आपके पास वो कोई नाम है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ आदिल, आदिल मैंने जैसे लिख दिया, ये भी इसके डिक्शनरी में नहीं है ये वर्ड, लेकिन ये नाम बिल्कुल सही है। तो इसके लिए तरीका ये है कि नाम तो सही है, आप चाहते हैं कि इसको मैं इसके डिक्शनरी में डालूं, तो आप जाएंगे सीधा, कोई सिलेक्शन नहीं करना, आप जाएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर में और ये देखिए आदिल लिखा है। उसके अलावा आपको सजेशन दिए हुए है कि ये नाम मतलब ठीक है, ये वाला आपको सजेशन दिए, आप उसे कह रहे हैं कि नहीं ये जो मैंने लिखा हुआ ये बिल्कुल सही है, तो इसको एड टू डिक्शनरी कर दो। तो जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये उसके डिक्शनरी में आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है रिसर्च। अगर आपको किसी भी वर्ड पर रिसर्च करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करता हूं और रिसर्च, तो ये देखिए फॉर्मेटिंग आ गया यहाँ पे। यहाँ पर मैं स्टार्ट रिसर्च कर दूंगा तो इसने रिसर्च कर दिया है, और ये अरेंजिंग, कंफिगरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, तो ये उसके लिए उसके मुताबिक थिसारस में, थिसारस ये ऑप्शन है उसमें हमें ऑप्शंस दे दिए हैं कि उसका ये मीनिंग हो सकता है या रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये रिसर्च और थिसारस इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए अरेंजिंग, कॉन्फिगरिंग, फॉर्मेटिंग का आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस दे रहा है कि आपके पास ये ऑप्शंस हो सकते हैं। उसके अलावा वर्ड काउंट, वर्ड काउंट आपको बताता है कि आपके पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, करेक्टर्स कितने हैं, स्पेसेस कितने हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा ट्रांसलेट, अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो आप जाएंगे ट्रांसलेट में, ट्रांसलेट पूरे डॉक्यूमेंट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक वर्ड को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, एक वर्ड को ट्रांसलेट करता हूँ और फिर जाके ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, और ये देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ आ गए, और जैसे ही मैं इसको ट्रांसलेट पे दबाता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शंस आ गई है, इसने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश टू फ्रेंच, फ्रांस का जो लैंग्वेज है उसमें उसने ट्रांसलेट कर दिया है, तो ये उसका ट्रांसलेशन है। उसके अलावा हमारे पास लैंग्वेजेस, आप लैंग्वेजेस को मैं क्लोज करता हूँ, आप लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास है लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूएस यूनाइटेड स्टेट का जो इंग्लिश है वो इसमें बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। आप यहाँ से जाके सिलेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, अरेबिक, टूनिसियन, यूएई अरेबिक, यमन, तो मुख्तलिफ आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको चेंज कर सकते हैं। हम इसको इंग्लिश में ही रहने देते हैं क्योंकि इंग्लिश ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और ओके कर देंगे। उसके अलावा न्यू कमेंट्स, न्यू कमेंट्स अगर किसी भी वर्ड में हमारे पास कोई नाम आ जाता है या किसी सिटी का नाम आ जाता है तो उसको हम कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लोक को दे देता हूँ, लोक को मैंने सेलेक्ट कर दिया न्यू कमेंट्स, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा विजिबल, या जो भी कमेंट्स आप इस पर लिखना चाहते हैं, या किसी के बारे में आपको डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड आ गया उसके बारे में कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो आप लिख देंगे। हम दूसरे भी वर्ड को कमेंट दे देते हैं न्यू कमेंट्स, तो मैंने दो कमेंट्स इसको दे दिए। अभी मैं इसको कहता हूं कि ये जो कमेंट्स मैंने लिखे हैं इसमें प्रीवियस, नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो ये आप
उसको दे सकते हैं, मतलब कि आप प्रीवियस नेक्स्ट में आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको डिलीट करना है तो आप किसी भी कमेंट को क्लिक करें और डिलीट, तो ये देखिए डिलीट हो गया है आपका कमेंट। इसको मैं कंट्रोल जेड की मदद से वापस लाता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस मतलब आपकी जो चेंजेस है उसको ट्रैक करता है। तो मैं इसको कहता हूँ, ये ट्रैक चेंजेस को मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे साथ एक्टिवेट हो गया। अभी मैं इसमें कोई भी चेंजेस करूंगा, जैसे ये फॉर्मेटिंग लिखा है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, होम में जाके इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, फॉर्मेट फॉन्ट 18, मतलब कि इसका साइज इसने चेंज कर दिया। फिर इसको दूसरा वर्ड सेलेक्ट करता हूँ, उसका मैं होम मेन्यू में जाके कलर चेंज करता हूँ, तो ये देखिए हाईलाइटेड लिख दिया है कलर, क्योंकि मैंने इसको दिया है हाईलाइट कर दिया है। तो मैं जाता हूँ फिर से रिव्यू टैब में, ट्रैक चेंजेस ने ट्रैक कर दिए दो चेंजेस, और फिर उसके बाद मैं चेक करना चाहता हूँ मुख्तलिफ एंगल से। शो मार्कअप, तो ये ऑलरेडी शो मार्कअप में है, ये मार्कअप जो मैंने किए हुए है, कमेंट्स भी है और चेंजेस भी है, ये ऑलरेडी उसमें है। मैं उसको बताता हूँ फाइनल, तो ये देखिए फाइनल है कि इसमें चेंजेस भी मौजूद है और मेरे पास जो मैंने कमेंट्स भी डाले हैं वो भी मौजूद है। फिर उसके बाद शो मार्कअप, तो ये देखिए मार्कअप फिर से दिखा रहा है कि यहाँ पर ये चेंजेस हुए है, लेकिन शो मार्कअप ये है कि जो फॉर्मेट मैंने इम्प्लीमेंट किए थे वो फॉर्मेट खत्म हो गए हैं, मतलब फॉर्मेट है लेकिन वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। फिर ओरिजिनल, तो ये ओरिजिनल है जो पहले था, बिल्कुल ओरिजिनल है, उससे फॉर्मेट वगैरह कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं जाता हूँ शो मार्कअप, तो ये फॉर्मेट भी दिखा रहा है जो इम्प्लीमेंट हुआ है, और साइड में भी आपको बता रहे कि कितना कितना चेंजेस हुआ है, क्योंकि हमने ट्रैक चेंजेस को एक्टिवेट किया था। फिर शो मार्कअप, तो इसमें आप हटा सकते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग है उस पर जो इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसको हटा दें। ये देखिए उसको ये इससे हट गया है, फॉर्मेट है लेकिन आपको जो उसमें जो लाइन था वो ख़त्म हो गया है। फिर ये भी हटा सकते हैं, हाईलाइट भी, हाईलाइट के देखिए वो यहाँ से हट गए। फिर तो इसको वापस लाने के लिए देखिए वापस आ गए हैं, फिर मार्कअप हाईलाइट। तो ये इसमें आपको शो करता है कि आपको इसमें कौन कौन सा ओरिजिनल में चाहिए या जो चेंजेस हुए वो आपको चाहिए। फिर रिव्यूइंग पेन, रिव्यूइंग पेन दो तरीके से है, आप रिव्यू पेन करना चाहते हैं वर्टिकली, तो आप वर्टिकली को सेलेक्ट करेंगे, देख आपको एक एक दिखा रहा है कि फॉर्मेटेड हुआ है, यहाँ पर विजिबल लिखा है, कमेंट्स हुआ है, फिर फॉर्मेटेड हुआ है, फिर कमेंट्स आया है, या इसको आप नीचे से रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टली, तो आप नीचे से भी इसको देख सकते हैं। देखें यहाँ से आप नीचे भी इसको देख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर अगर जो आपने इन्फॉर्मेशन इसमें डाले उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना चाहते हैं, देखिए एक्सेप्ट, तो मैं पहले को एक्सेप्ट कर दिया, दूसरे को रिजेक्ट, वो देखिए हट गया, जो हाईलाइटेड था वो हट गया। फिर रिजेक्ट, फिर रिजेक्ट, फिर एक्सेप्ट, बस सिर्फ ये कि मैंने यस एक्सेप्ट कर दिया, बाकी रिजेक्ट कर दिए। अगर इसको मैं वापस लाता हूँ कंट्रोल जेड की मदद से, प्रीवियस और नेक्स्ट, आप प्रीवियस भी जा सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए प्रीवियस प्रीवियस, तो प्रीवियस और नेक्स्ट भी जा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है कंपेयर, तो कंपेयर के लिए हम न्यू डॉक्यूमेंट में जाते हैं, न्यू, और यहाँ से हम कंपेयर को रिव्यू में जाते हैं, रिव्यू में कंपेयर, और कंपेयर को प्रेस करते हैं। फिर इसमें हम उसको दो डॉक्यूमेंट बताते हैं, सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट हम देख लेते हैं, जाते हैं डॉक्यूमेंट, जो दो डॉक्यूमेंट हमारे पास है वो हम देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट वन है, ये डॉक्यूमेंट टू है, डॉक्यूमेंट वन को ओपन करें, ये देखें ये डॉक्यूमेंट वन है। फिर इसके बाद आप जाए डॉक्यूमेंट टू को ओपन करें, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट टू है जिसमें लिखाई बहुत कम है, ये आप देख सकते हैं ये लिखाई इसमें कम है। तो मैं जाता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर मैं कंपेयर क्लिक करता हूँ, फिर कंपेयर, फिर ये वन और टू डॉक्यूमेंट्स आपस में मैं कंपेयर करता हूँ। मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट वन, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए ये जो साइड में छोटा सा एक फोल्डर सा बना हुआ है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएंगे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे वन को सेलेक्ट करेंगे, ओपन। फिर रिवाइज डॉक्यूमेंट, मतलब ये डॉक्यूमेंट को मैं रिवाइज करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट टू के साथ, ये फोल्डर पर आप क्लिक करें, जाएंगे डेस्कटॉप पे, क्योंकि मेरा फोल्डर डेस्कटॉप पे है, और डॉक्यूमेंट टू, और ओके कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट वन ओरिजिनल है और रिवाइज, फिर उसमें जो मैंने चेंजेस किए वो डॉक्यूमेंट टू है, और उसको मैं ओके कर दूंगा और यस। तो ये देखें जो डॉक्यूमेंट वन मैंने आपको दिखाया उसमें बहुत कम लिखाई थी, डॉक्यूमेंट टू में ज्यादा लिखाई थी,
इंडिया को दिखा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट वन था वो सिर्फ यहाँ तक था, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक था, और डॉक्यूमेंट टू पर जो आपने चेंजेस किए हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ से लुक से लेकर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब इन दोनों डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया था उसमें आपने यहाँ तक लिखाई की थी, फिर उसी डॉक्यूमेंट को आपने फिर से एडिट करके उसमें और भी ज़्यादा जो चेंजेस कर दी वो चेंजेस यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक थी, तो दोनों को मर्ज कर दिया उसने, ठीक है। ये हमारे पास दोनों डॉक्यूमेंट्स एक बन गए क्योंकि हमें एक ही चाहिए थे, हमने दोनों को कंबाइन करना था, तो ये कंपेयर था। उसके अलावा आपके पास को मैं क्लोज कर देता हूँ इसको भी, ये हमारे पास एक रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट बन गया है विद चेंजेस। उसके अलावा हमारे पास है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, तो इसके लिए ये डॉक्यूमेंट सही है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग को मैं क्लिक करता हूँ, लिमिट फॉर्मेटिंग टू सिलेक्टेड ऑफ स्टाइल, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ एलो ओनली द टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, तो इसको ये भी आप कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, तो इसको मैं कहता हूँ एवरी वन के लिए रिस्ट्रिक्शन में डालता हूँ, पासवर्ड में डालता हूँ ताकि कोई इसको ना देख सके, तो यस का यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, तो ये इसको मैं पासवर्ड देता हूँ 123 फिर 123 और ओके। तो ये जो मैंने इसको पासवर्ड दिया है, अभी मैं इसमें चेंजेस करता हूँ कोई चेंजेस नहीं होती, मैं कुछ भी प्रेस करता हूँ कोई इसमें चेंजेस नहीं होती, तो इसके लिए ये जो मैंने पासवर्ड दिया है तो वो पासवर्ड ये देखिए होम मेन्यू में जाता हूँ कोई भी इसमें चीज इंप्लीमेंट नहीं होता, तो ये मैंने इसको पासवर्ड दिया है। इसके लिए आप रिव्यू में जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन था वो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग था, उसको वापस करने के लिए आप फिर से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाएंगे और देखिए इसको स्टॉप प्रोटेक्शन कर देंगे, पासवर्ड दे देंगे 123 और ओके। अब इसमें आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो ये देखें ये डिलीट भी होते हैं, सब चेंजेस भी इसमें आते हैं, होम मेन्यू में आप जाएंगे आपके पास सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो चुके होते हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स ये था रिव्यू मेन्यू को सीखने का तरीका, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।